किया गया मेरा, लेकिन ये प्रेरणा सम्मान जो है ये एक अलग सोच है और ये बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि प्रेरणा बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए और प्रेरणा से ही इंसान आगे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए उन्होंने 100 times ब्लड डोनेट किया, तो ये बहुत ही बड़ी प्रेरणा है लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमको ब्लड वापस कैसे हमारे बॉडी में आएगा। तो इस तरह के काफ़ी प्रेरणा स्रोत यहाँ पर आए हुए हैं जिनसे प्रेरणा मिली है और मुझे भी उस प्रेरणा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। मैं इस संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और इनसे अनुरोध करती हूँ कि इसी तरह की प्रेरणा स्रोत आप प्रोग्राम्स करते रहें, आपकी सफलता इसी तरह से चलती रहे और आपकी संस्था और आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। पुरस्कार देने वाले हमारे गुंजन जी, राम कुमार पाल और गुरुमा जी और उसकी सब टीम को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। हर सेक्टर के इंटेलेक्चुअल लोगों को ये प्रेरणा पुरस्कार दे दिया है। अभी पुरस्कार का नाम क्या होता है कि किसी से रिश्वत लेने के लिए के नहीं, लेकिन ये असली पुरस्कार वाले लोग हैं। वैसा जो ब्लड वाले ब्लड डोनर डाडर है हमारे, सब लोग हैं, टीचर लोग हैं, जो फिल्म लाइन के एक्टर है वो भी लोग हैं, और जो जो लोगों ने हर क्षेत्र में NGO में अच्छा काम किया है वही हमारे कई सिस्टर लोगों को ये पारितोषिक दिया है। तो ये लोगों से क्या दिल जुड़ जाता है और खुद के लिए कुछ करने से हिस्ट्री नहीं बनती, दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो हिस्ट्री बन जाती है। तो ये हिस्ट्री बनाने वाले का काम है। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ और मैं एक साल से मैं भी जुड़ा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन के। मैं अभी अगली बार तो जुरू का ही काम करूँगा ही, क्योंकि हम पॉलिटिकल से थोड़ा सा रिलैक्स मिलने के लिए जब हम फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, वैसा ही रिलैक्स होने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा, दिल से लगा। और कोई भी काम दिल से करेगा तो हम सक्सेस बन जाते हैं। मैं मेरी राष्ट्रीय समाज पार्टी की तरफ से सब इंडिया के जो लोग आए हैं उसको भी धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ और उसके जो ऑर्गेनाइज टीम है उसको भी तन मन धन से मैं सहयोग करने की कोशिश करूँगा। 9 तारीख को जो नेशनल प्राइड अवार्ड का फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इन दिल्ली में है उसको भी मैं जाने की कोशिश करूँगा। मैंने तो गुंजन जी का और राम कुमार पाल को बताया है कि जहाँ जगह आप बुलाएंगे, इंडिया के बाहर भी आप बुलाएंगे तो मैं आने के लिए तैयार रहूँगा। तो मैं सभी आने वाले ब्लड डोनेशन रहे, टीचर रहे और इंटेलेक्चुअल रहे, कोई मूर्ति बनाने वाले रहे, ये सब लोगों को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ मेरे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के तरफ से ही। और मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंग्स टू द राष्ट्रीय समाज पार्टी, आई एम फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ दैट पार्टी, वो सभी हिसाब से मैं आपके साथ रहूँगा। देश के लिए ये लोग काम करने वाले हैं उसको थोड़ा हौसला बुलंद हो जाएगा और आगे वो देश के हित में आ जाएगा। यही मकसद के साथ मैं ये गुंजन की टीम के, राम कुमार पाल की टीम की सभी का अभिनंदन करके आपकी तहे दिल से उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट। वंदे मातरम। इतना अवार्ड से जिन्हें सम्मानित किया गया है, क्या लगता है वो इसके कारण उनको ये अवार्ड जो दिया गया है वो सभी लोग उस अवार्ड के लायक थे? मैं कहता हूँ सब लायक थे, मेरे साथ बैठा है उसको आप ही डाइजेस्ट, आप जुड़े रहेंगे तो उसको आप अवार्ड देने के लिए लायक है, उसमें कोई ऐसा ना करने वाला नहीं था। ये और खुद का पैसा लगा के लोगों ने मेहनत करके किया है, ये लोगों को हौसला बुलंद हो गया। उसने इंडिया उन्हें वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का थोड़ा हौसला बुलंद होने की काम है। तो मैं राम कुमार पाल रहे, गुंजन जी रहे, ये लोगों को मैं धन्यवाद क्यों देता हूँ? कोई पीठ के ऊपर हाथ मारने वाला तो आदमी चाहिए। जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, उसको सुलाने के लिए जगह करती है। तो ये बच्चे के मतलब सभी देश के हित में काम करने वाले कोई रिपोर्टर रहेंगे, हमारा रिपोर्टर है बहुत, तो वो रिपोर्ट को भी थोड़ा लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये लोगों की जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है कि ये शील्ड मिला है, ये जो सम्मान पत्र मिला है उससे लोगेंगे कि मैं समाज को धोखा नहीं दूंगा, न धोखा दे के देश के हित का जो काम करूंगा वो करने के लिए लायक बन जाएगा। तो मैं राम कुमार पाल रहे, गुंजन जी रहे, गुरुमा जी रहे, ये सब टीम है वो दिल लगा के काम करते हैं, तो वह उसके साथ मैं भी वो टीम का कार्यकर्ता बनकर रहूँगा। आई एम नॉट लीडर, आई एम ए कैडर, इस हिसाब से मैं उसके साथ रहने की कोशिश करूँगा। और 9 तारीख को आप सभी को मैं धन्यवाद दिला रहा हूँ। इंडिया के सब कोने कोने से लोग आए हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कोई ऐसा फटाफड़ा नहीं था और किसी को उल्लू बनाने वाला नहीं। और ये तो नगरी, ये जो नगरी है तो फिल्म सिटी की नगरी है, बहुत बड़ी। आपको मालूम है कि सबसे इंडिया में ज़्यादा नाम किसको मिल जाता है? तो सेलिब्रिटी को, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है चाहे इंडस्ट्री ले, इसमें और पॉलिटिक्स में रहता है। तो पॉलिटिक्स हम अभी नाम नहीं लेने के लिए तैयार, क्योंकि पॉलिटिक्स में टेंशन ज़्यादा है, इससे बहुत रिलैक्सेशन है। इसीलिए मैं
सभी का जो जो लोग इंडिया से आए हुए कोने कोने से आए लोगों को मैं तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। और जो टीम है खुद का पैसा लगा, आप लोगों के सहयोग से ये मेरा दूसरा कार्यक्रम रहा है दादा साहब फाल्के के बाद, और भी मेरे ऐसे बहुत प्रयास है कोशिश है। और हमारा दिल्ली में 9 तारीख को बड़ा अवार्ड है जिसमें 26 मिनिस्टर केंद्रीय मिनिस्टर आ रहे हैं 9 तारीख को, उसमें भी आप लोग का सहयोग मिले ये अपेक्षा करता हूँ। और यहाँ पे अगली बार बहुत बड़ा और अच्छा कार्यक्रम करने की चेष्टा है जिसमें ओनली उद्योगपति डॉक्टर्स और विकलांग और जो महिलाओं पे एसिड के अटैक हुए थे जो सरकार ने प्रॉमिस किया कि इनको सम्मान देंगे और ऐसी महिलाओं को किसी को सम्मान मिला नहीं है, वो पूरी टीम भारत से जमा करके एसिड अटैक की ग्रसित महिलाओं का सम्मान उनको बख्शिश भी देंगे सम्मान भी करेंगे और फिर राजनीति वालों को जगाने का कोशिश करेंगे। आपने बहुत इनको प्रॉमिस किया लेकिन इनका सम्मान नहीं है, इनका हक नहीं दिया, ये मेरा एक प्रयास है। अगला कार्यक्रम वही होगा एसिड पीड़ित महिलाएं। नहीं ये तो हम 11 साल से करते आए लेकिन पहली बार मुंबई में किए हैं, गुरुग्राम दिल्ली गाजियाबाद हरियाणा में करते आए। और गुंजन भैया पुष्कर मेहता जी ऐसी हमारी पूरी टीम है प्रेरणा आवाज की नेशन इंडिया की, उसके तहत करते आए। अभी तक तो हम लोगों ने नेशन इंडिया में भारत के 2500 शिक्षकों को दिया है और उसके बाद में विकलांगों को दिया है नागपुर में दिल्ली में। अब हम अलग से प्रयास कर रहे हैं नारी में एसिड अटैक वाले जैसे ग्रसित लोगों को अवार्ड देना सम्मान देना और समाज के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू जो इन लोगों ने एक मुहिम चलाया है जो ऐसी मतलब एक अद्भुत चीज कहीं हमें ऐसा देखने को नहीं मिला, तो जो इन्होंने एक अद्भुत शुरुआत की है वहां पर आके मुझे बेहद खुशी और बहुत ही अच्छा लगा। और क्या लगता है एक कलाकार के लिए उसका अवार्ड कितना मायने रखता है उसकी जिंदगी में? मैम बिल्कुल मायने रखता है, हमें बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के महान काम के लिए हमें बुलाया जाता है, हमें सम्मानित किया जाता है। ये हमारे लाइफ का एक बहुत ही खास पल होता है, बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है, हमें बेहद पसंद आता है जब ऐसे मुहिम में हमें बुलाया जाता है, हमें सम्मानित किया जाता है।